महोबा में चालक की लापरवाही के चलते तेज रफ्तार रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई। हादसा होते ही बस में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया। इस सड़क हादसे में 2 बच्चों सहित 12 यात्री घायल हो गए। बरेली में यूपी सीओपी ऐप से साइबर ठगों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने एफआईआर डाउनलोड करके ठगी का एक नया तरीका निकाल लिया है। साइबर ठग पीड़ितों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर उनका उपयोग धोखाधड़ी के लिए करते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। पुलिस द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बाराबंकी जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के कस्बा जैतपुर अंतर्गत बसी नगर निवासी मोहम्मद रिहान ने थाने में शिकायत पत्र देते हुए बताया कि वो कुछ काम के लिए पानी की टंकी के पास गया हुआ था, जहां पर उनके ससुर ने उन्हें रोक लिया और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मारपीट की। रिहान ने थाने में शिकायत पत्र देते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्नाव में एक बर पक्ष और वधु पक्ष में आपसी असहमति के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बारात रास्ते से वापस लौट गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों में मायूसी पसर गई। इधर दुल्हन पक्ष सभी तैयारियों के साथ बारात का इंतजार करता रह गया और बारात लड़की पक्ष के मुखिया और मध्यस्थ से विवाद के बाद रास्ते से वापस लौट गई। बारात वापस लौटने के बाद दुल्हन प्रियंका ने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज करवाई है। दुल्हन ने तहरीर में दूल्हा पक्ष के साथ ही दूल्हे पर कई गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से 17 जिलों के 700 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं बाढ़ से उत्तर प्रदेश में जो जिले प्रभावित हैं उनमें शाजापुर भी शामिल है, जहां पर बाढ़ का पानी लगातार अपना कहर बरपा रहा है। यहाँ गर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। नेशनल हाईवे पर 3 फीट पानी बह रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी 5 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। इस बीच शाजापुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराजगंज में मंदिर के पुजारी को बंधक बनाकर लूटपाट की गई। चोरों ने पुजारी से मोबाइल फोन, दान पेटी समेत रुपए को लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। श्रावस्ती में एक अज्ञात युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाढ़ के पानी में बहकर आने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के कई डग्गामार बस बगैर परमिट दिल्ली तक दौड़ लगा रही हैं। सब कुछ जानकारी में होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासनिक व परिवहन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। बताया जा रहा है कि बस रसूखदार लोगों की है, जिनके पास परमिट भी नहीं है। आए दिन इन बसों की वजह से हादसे होते रहते हैं। रायबरेली में एक पति ने अपने 5 दोस्तों के साथ शराब पार्टी की, उसके बाद पत्नी के साथ गैंगरेप करवाया। यही नहीं, बाद में पत्नी की जान ले ली। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पुलिस ने पूरी घटना के क्रम को छुपाने के लिए रात में पेट्रोल डालकर शव का गाँव के किनारे दह संस्कार करवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी जीतू ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस मामले को रफा दफा करने में जुटी है। गोरखपुर में राजघाट थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान के पास दिन दहाड़े फिल्म स्टाइल में सड़क पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद हमलावर के पीछे 2 पुलिसकर्मी भागे। वहीं हमलावरों ने कुछ देर बाद खुद पुलिस चौकी पर जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिजनौर के नहटोर धामपुर मार्ग पर एक विवाह मंडप में डीजे पर डांस को लेकर हुई कहासुनी में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जान से मारने की धमकी दे डाली। बारात से वापस पहुंचने पर गांव में ही धमकी देने वाले युवक ने युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां घायल युवक की तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीतापुर में 11,000 लाइन की चपेट में आने से एक 18 वर्षीय युवक झुलस गया, जिसको परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया। महाराजगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर नाले में 7 वर्षीय मासूम बालिका का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश सरकार में एसडीओ की गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। बता दें एसडीओ नशे में चूर था और इस हादसे में कई लोग बाल बाल बचे। गाड़ी में पीछे की सीट पर नशे का सारा सामान मौजूद था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया।
मिर्जापुर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सपरिवार पहुंचे, जहां उनका तीर्थ पुरोहित राज मिश्र ने बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर पूजा पाठ किया।